दोनों जहानों का मालिक भी है, वो जो कुन कह के हर शय का खालिक भी है, उसे जिसके पाबंद शम्सो कमर, जो शाफे भी है और राजिक भी है। माशाल्लाह दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग तंदुरुस्त होंगे और खैरो आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, अल्लाह के फजलो करम से और रहमो करम से शिहाब भाई का ये जो नेक और मुबारक सफर है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब मुकम्मल होने जा रहा है। शिहाब भाई का दोस्तों ये जो मुबारक सफर है वो आज कहाँ से रवाना हो रहा है और शिहाब भाई का आज का जो करंट लाइव लोकेशन है वो क्या है, शिहाब भाई मक्का शरीफ से कितनी दूरी पर रुके हुए हैं और शिहाब भाई कपला मक्का शरीफ में पहुंच जाएंगे, सब लोकेशन सब जानकारी ए टू जेड आज की वीडियो में आपको जानने को मिलने वाली है। और उसी के हवाले से दोस्तों शिहाब भाई की बहुत ही खुशी की अपडेट है, वो अपडेट क्या है इसके हवाले से भी आज की वीडियो में बात होगी। तो वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं है इसलिए आप लोग वीडियो में मतलब बने रहें और माशाल्लाह शिहाब भाई का आज तक का लाइव लोकेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। मैं आपको बता दूं अल्लाह के फजल करम से और आपकी पैर पैर दुआओं के साथ शिहाब भाई को मदीना शरीफ से मक्का के लिए सफर रवाना करते हुए आज 7 दिन मुकम्मल होने जा रहे हैं। शिहाब भाई दोस्तों इन 7 दिनों में कितना सफर रवाना करा और शिहाब भाई दोस्तों कितने किलोमीटर दूरी पर रुके हुए हैं उसके बारे से मैं आपको बता दूं दोस्तों कि शिहाब भाई का ये जो मुबारक सफर है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 160 किलोमीटर का रवाना हो चुका है। शिहाब भाई दोस्तों अभी अपने मुबारक सफर पर रवाना है और शिहाब भाई ने अभी तक 160 किलोमीटर का सफर तय कर दिया है। और शिहाब भाई की दोस्तों आज की जो करंट लाइव लोकेशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल अक्साल की थी। शिहाब भाई दोस्तों आज अपने इस मुबारक सफर को अल अक्साल से जारी कर दिया है और शिहाब भाई दोस्तों अल अक्साल से रवाना होते हुए अपने जद्दा रोड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और बहुत जल्दी दोस्तों अगर आपकी दुआएं रही और अल्लाह का फजलो करम रहा तो शिहाब भाई बहुत जल्दी जद्दा रोड से होते हुए अपने मक्का शरीफ में पहुंच जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को तो मालूम ही है कि सऊदी अरब में रेगिस्तानी बहुत ज्यादा इलाका है और वहाँ दोस्तों रेगिस्तानी इलाका होने की वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जिसकी वजह से दोस्तों शिहाब भाई इतनी गर्मी और इतनी धूप में अपने इस मुबारक सफर को रवाना कर रहे हैं और अल्लाह का नाम लेते हुए अपने हज मुकर्रमा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये दोस्तों बहुत ज्यादा बड़ी बात है, तो आप लोगों से अल्लाह की बारगाह में दुआएं करें। और उसी के हवाले से मैं आपको बता दूं दोस्तों कि शिहाब भाई का ये जो नेक और मुबारक सफर है वह अल्हम्दुलिल्लाह अब कम्प्लीट होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों अब शिहाब भाई को 180 किलोमीटर का सफर रवाना करना है और शिहाब भाई का दोस्तों ये जो 180 और 190 किलोमीटर का सफर है ये शिहाब भाई बहुत जल्दी से रवाना कर देंगे और आपकी दुआओं के साथ शिहाब भाई दोस्तों 8 से 10 दिन के अंदर ही इस मुबारक सफर को जल्दी से जल्दी कम्प्लीट कर अपने मक्का शरीफ में पहुंच जाएंगे, क्योंकि दोस्तों शिहाब भाई की जो फैमिली है, शिहाब भाई के जो परिवार वाले हैं वो शिहाब भाई का मक्का शरीफ में इंतजार कर रहे हैं और शिहाब भाई माशाल्लाह दोस्तों उनसे मिलने के लिए बेताब है। और शिहाब भाई का दोस्तों ये जो मुबारक सफर है, ये जो सपना है, जो ड्रीम है वो अब मुकम्मल होने जा रहा है और इंशाल्लाह दोस्तों शिहाब भाई की जो खुशी होगी वो बहुत ज्यादा खुशी होगी। और शिहाब भाई दोस्तों जैसे ही मक्का शरीफ में एंटर होंगे और शिहाब भाई की जो निगाह है वो काबा शरीफ पर पड़ेगी, तो शिहाब भाई दोस्तों सबसे पहले सारी उम्मत के लिए, पूरी दुनिया के लिए बेइंतहा प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी दुआएं करेंगे, क्योंकि शिहाब भाई ने खुद बताया था कि शिहाब भाई जैसे ही पहुंचेंगे शिहाब भाई सबके लिए दुआएं करेंगे। और शिहाब भाई की जो ये नेक और प्यारी दुआएं हैं ये अल्लाह अपनी बारगाह में जरूर कबूलता फरमाएंगे, क्योंकि शिहाब भाई का दोस्तों ये जो नेक और मुबारक सफर पैदल हज का सफर है, तो आप लोग दिल से शिहाब भाई के लिए पैर पैर दुआएं करते रहा करें। हम आप लोगों को शिहाब भाई का 2023 तक का पूरा पक्का सच्चा लाइव लोकेशन इसी तरह देते रहेंगे, इसलिए आप लोग कहीं ना जाए और हमारे चैनल से जुड़ जाए। जुड़ने के लिए दोस्तों नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दे और बेल आइकन प्रेस कर दे। मिलते हैं शिहाब भाई के लिए बिग अपडेट के साथ।